जी स्वागत है तुहाडा सारयां दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल आर एस पी इंस्टीट्यूट ते। दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट देंगे तुहानू, सिक्ख्या भर्ती विभाग का यह न्यू नोटिस है। सो इसे पढ़ के दसांगे इस की लिखा गया है जी। सो उस तो पहले तुहानू बेनती करांगे जेकर चैनल ते नवे आए जी चैनल सबसक्राइब करके कर लेना जी, ताकि जो आने वाले पेपर के जो लेटेस्ट अपडेट्स होणगीआं ते तैयारी संबंधी वीडियोज़ जो होणगीआं ओह तुहानू रैगूलर तौर पर साडे इस चैनल पर मिलदे रहणगे जी। सो चैनल सबसक्राइब कर लेना ते अज दी वीडियो कर लैने स्टार्ट। तो तुहानू दस दिआं इहदे विच की लिखा गया नोटिस विच, सिक्ख्या भर्ती डायरैक्टोरेट पंजाब दा इह नोटिस है। कदों जारी होया जी? 6/7/2021 नूं। ते इहदे विच तुहानू दस्सांगे की लिखा गया सारा जी। उम्मीदवारां लई हदायतां, पंजाब सिक्ख्या विभाग वल्लों, सिक्ख्या विभाग पंजाब वल्लों, ठीक है जी, घर घर रुजगार योजना तहत स्कूल सिक्ख्या विभाग अधीन मास्टर काडर, मास्टर कैडर बॉर्डर एरिया दे 380, अंग्रेजी 518, साइंस अते 595, मैथ विषय दियाँ बैकलॉग दियाँ असामियां भरन लई योग उम्मीदवारां वल्लों विभाग की वैबसाइट www.educationrecruitmentboard.com ते ऑनलाइन दरखास्तों की मांग की गई सी। जिहड़े उम्मीदवारां ने इन्हां असामियां लई अपलाई करिया सी उन्हां दी मिति 20/6/2021 अते 21/6/2021 नूं, ठीक है जी, लिखती टैसट लैण उपरंत नतीजा घोषित कर दिता गया है, जो रिजल्ट है वह डिकलेयर कर दिता गया है। उम्मीदवारों को अपने असल दस्तावेज़ों की स्क्रूटनी लई दफ्तर डायरैक्टोरेट जो है अपने असल जो दस्तावेज़ ने सर्टिफिकेट्स ने उन्हां दी स्क्रूटनी लई दफ्तर डायरैक्टर सिक्ख्या भर्ती डायरैक्टोरेट पंजाब सरकारी मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग फेज 3 B1 SAS नगर विखे हेठां दर्शाए गए शड्यूल अनुसार सवेरे 9 बजे तो शाम 3 बजे तक असल दस्तावेजों की स्क्रूटनी लई सद्दा दिता जाता है, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी, ये जी दस्या गया जी कैटेगरी वाइज भी कि विषय की किन्नी डेट में जो है स्क्रूटनी लई बुलाया गया। सो 9/7/2021 9 जुलाई 2021 साइंस विषय दिया SC R&O कैटेगरी कट ऑफ मैरिट 55 तो उपर वध अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इतने लिखा गया। सो 13/7/2021 मैथ विषय दिया, ठीक है जी, 62 तो वध अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार। फिर आ जाता जी 14/7/2021 अंग्रेजी विषय दिया SC R&O and BC, ठीक है जी, कैटेगरी वाइज। सो 119 तो वध अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार BC लई है जी 129 तो उपर वध अंक प्राप्त करने वाले कैंडीडेट्स। अगे लिखा गया है जी जो कैंडीडेट्स ने वो निर्धारित शड्यूल अनुसार दस्तावेज़ों की स्क्रूटनी ते आने तो पहला हेठां दर्शाए अनुसार स्क्रूटनी फॉर्म विभाग की वैबसाइट तो डाउनलोड करके उसने साफ सुथरा भरन उपरंत अपने सर्टिफिकेटों एक रनिंग PDF तैयार करके ते इत्थे लिखा गया जी। अगे जो ईमेल ID है englishmastercadre2021@gmail.com, ठीक है जी, इतने देख सकते हो। मैथ विषय की है भी mathmastercadre2021@gmail.com, साइंस विषय की जो ईमेल ID है sciencemastercadre2021@gmail.com, ठीक है जी। तो ईमेल के सबजैक्ट कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम भर के ईमेल करेगा। सो ये हेठां दर्शाए गए ने जी जो अपने दस्तावेज होणगे, जन्म मिति संबंधी 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है जी, पंजाबी पास करन दा सबूत 10वीं क्लास जा उचेरी पद्धर ते, BA भाग 1, 2 अते 3 अते DMC अते डिग्री, चौथे नंबर ते जी BEd दी DMC अते डिग्री, कैटेगरी नाल संबंधित सर्टिफिकेट, पंजाब राज दा वसनीक होण दा सबूत केवल उही उम्मीदवार उही कैंडीडेट्स जिन्हां ने किसी रिजर्व कैटेगरी विच जो है अप्लाई किया है, ठीक है जी, जो रिजर्व कैटेगरी विच जिन्हां ने अप्लाई किया है। आमदन संबंधी स्वै घोषणा पत्र विभाग की वैबसाइट तो डाउनलोड करके जिहड़े उम्मीदवारों तो पछड़ी श्रेणी कैटेगरी विच जिन्हां ने अप्लाई किया है। अगे है जी जो उम्मीदवार ने कैंडीडेट्स ने जी दस्तावेज़ों की स्क्रूटनी ते आने के समय अपने नाल असल सर्टिफिकेटा दियाँ खुद तस्दीक कीतियां फोटो कापियां का एक सैट, अपनी जो है पासपोर्ट साइज फोटोआं लेके जानियां 4 फोटोआं, जमा करवाई गई फीस का जो सबूत है, ठीक है जी, रसीद होएगी, ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म विभाग की वैबसाइट तो डाउनलोड किया स्क्रूटनी फॉर्म,
ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਭ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ FIR ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ COVID-19 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ COVID-19 ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6/7/2021 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ RSP ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।